तमाम खुशी की गुजारिश करती हूँ अपने लिए, अपने गिराने के लिए, आपके लिए, आपके गिराने खानदान के लिए। खुदा हम सब को संगी बख्शी है, सुबह आज का फिर एक नया दिन बख्शा है जिसमें हम पसंदा खूबसूरत कलाम सीख सकें। क्योंकि कलाम मुकदस में एक आयत मुकदसा लिखी है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, पास सुनना मसीह के कलाम से। और खुदा का कलाम हमारी राह की रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है। इसलिए जब हम इस नूर की रोशनी में चलेंगे तो कभी हम ठोकर नहीं खाएंगे, बल्कि हम ठीक उस राह पर जिस पर हमें जाना ज़रूर है पहुंच सकेंगे। हमारी मंजिल आसान होगी और खुदा हमें हमेशा की बादशाही में बुलाए और हम उसमें वफादारी के साथ रहेंगे। आमीन। खुदा का शुक्र हो। सो इससे बेहतर कि हम खुदा का कलाम सीखें, मैं फिर चाहूँगी कि पिछले मंगल की मीटिंग के अंदर जो हमने खुदा का कलाम सीखा था, क्या आप कुछ याद रखते हैं कि हमने क्या खुदा का कलाम का मैसेज सीखा था? कुछ याद है? शुक्र अदा करूँगा मैं खुदा बरकत दे, यानी कि जो खुदा ने मुझे नेमते दी हैं उसके उसमें हम कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन खुदा की बात की हर एक बात में क्या कर सकते हैं? शुक्रगुजारी करते हैं। हम इस बात का वाज़ इजहार करते हैं, ऐलान करते हैं कि खुदा हमारा खालिक मालिक है और हमारा निजात दहिंदा है और हम उसका शुक्र बजा लाते हैं। ये खुदा उनके नज़दीक सबसे बेहतरीन कुर्बानी, सबसे बेहतरीन इबादत है। आमीन। खुदा का शुक्र। सो हम आज का मैसेज सीखेंगे कि बागी होना, खुदा से बागी होना, बगावत करना और उसकी सज़ा क्या है। जो लोग बागी खुदा उनके जुर हो जाते हैं या हैं, अगर वो राह रास्ते पर ना आए तो उनका क्या हाल होगा। आज का ये मैसेज है हमारा कि खुदा उनसे बगावत। सो आए खुदा के जिंदा खूबसूरत कलाम मुकदस में से सीखेंगे। ये साया नबी की मार्फत खुदा उनका कलाम है, उसका बाप नंबर है 66 और उसकी आयत नंबर है जी 33-34, 23-24। आए खुदा के खूबसूरत कलाम मुकद्दस को तलावत करते हैं, पढ़ते हैं। तो आए बेटी ईमन के साथ, अगर हवाला ढूंढ लिया गया तो हमारी पढ़ने में रहनुमाई करें। यसाया नबी की मार्फत बिल्कुल लास्ट बाब है, 66 बाब और उसका आयत नंबर है जी 23-24। बुलंद आवाज़ के साथ ज़रा खुदा का कलाम तलावत करें। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। ये बगावत की सज़ा है। खुदा का बंदा यसाया नबी बयान करता है खुदा के कलाम मुकद्दस को कि यूँ होगा। क्या होगा? यूँ होगा, खुदावंद फरमाता है। कौन फरमाता है? खुदावंद फरमाता है, किसी इंसान की बात नहीं। अगर कोई इंसान आज के दौर के अंदर कोई बात कहे तो लोग उसे भी बहुत फॉलो करते हैं, अगर वो बात ठीक हो, उनके फ़ायदे की हो, उस सच्चाई पे मबनी हो तो लोग उस बात को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं और उससे बहुत सारा फ़ायदा हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ तो खुदा लश्करों का खुदा, खालिक कायनात, जिसने मुझे और आपको तख्लीक किया है, फरमाता है, खुदावन फरमाता है, एक नए चांद से दूसरे तक, एक सबक से दूसरे तक हर फर्दो बशर इबादत के लिए मेरे हजूर आएगा। हर फर्दो बशर में इबादत के लिए मेरे हजूर आएगा। जब हम खुदावंद के साथ आज वफादारी के साथ इबादत करते हैं, इबादत करने का तरीकाकार हम सीख रहे हैं, तो हम इस बात को दुराई के तौर पर जब खुदावंद के हजूर में जाएंगे, रिपीट करेंगे तो फिर और बेहतरीन तरीके से खुदावंद की इबादत करेंगे। कलाम में लिखा है कि दूसरे तक, हर एक सबक से, एक सबक से दूसरे और एक चांद नए चांद से दूसरे तक, और फिर लिखा वो हर फर्दो बशर क्या करेंगे? खुदा की बात। तो जो आज खुदा उनकी इबादत करते हैं वो कल भी खुदा उनकी जुरी में क्या करेंगे? खुदा की परस्तिश और इबादत और शुक्रगुजारी करेंगे। और लिखा है आगे, जो लोग आज भी इबादत नहीं करते, कल उनके साथ क्या होगा? खुदा का कलाम बयान करता है, वो निकल निकल कर उन लोगों की लाशों पर जो मुझसे बागी हुए नजर करेंगे। किसे बागी हुए जी?
खुदा से, जिन्होंने खुदा से बगावत की, खुदा के कलाम को बर वक्त ना सुना, खुदा के कलाम को बर वक्त अपनी निगाह में ना रखा और उसके आवाज़ पर ध्यान ना दिया, तो फिर खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा उनसे जो बगावत करेंगे बागी हो जाएंगे, उनकी लाशों पर वो लोग जो इबादत करने वाले आएंगे और वो निकल निकल कर क्या करेंगे, नजर करेंगे, उनका कीड़ा ना मरेगा और उनकी आग ना बुझेगी। ये खुदा का कलाम बयान करता है, जो खुदा की इबादत अब नहीं करता उस वक्त उसका ये हाल होगा, वो तमाम बनी आदम के लिए नफरती होंगे, लोग उनकी लाशों से तफून उठेगा, अपने नाक छुपाएंगे, अपने कान लपेटेंगे, मुंह सर छुपाएंगे और कहेंगे खुदा कैसा मंजर है, हम तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं, उस वक्त हम देखेंगे अपनी आँखों से, क्योंकि खुदा का नबी अपने प्रसिश में कहता है ज़बूर की किताब में, तो अपनी अखियाँ तो हाल वेखेगा, शरीरों का खुदावन बदला देंदा आप उन्हों की शरारत का। ये है खुदा का बदला। आज तो खुदा ने आज़ादी दी है, आज तो खुदा किसी को डांटता नहीं, आज तो किसी को खुदा नहीं कहता, क्योंकि खुदा जहालत के वक्तों पर चश्म पोशी करके आज लोगों को इंतज़ार करके दावत देता है कि वो तौबा करें, तौबा के माफ़ी क्या लाएं फल। लेकिन फिर खुदा का नबी ये बयान करता है आखिरी अयाम के अंदर ऐसा होगा। आए दूसरा नबी, खुदा का बदा, दूसरी गवाही जो है, बड़ी गवाही जो रसूल ने, नबी ने हमें बताई है, उस पर भी ज़रा गौर करेंगे। देखेंगे हम ज़िक्रिया की किताब मुक़दस में से, ज़िक्रिया के सहीफ़ा में से देखें कि जो लोग खुदा की इबादत ना करने आएंगे उनका क्या हाल होगा। ज़िक्रिया नबी का सहीफ़ा, मिलाकी के साथ, बत्ती के इंजील मुक़दस के साथ मिलाकी, और मिलाकी के साथ ही ज़िक्रिया की किताब है, और इसके आयत नंबर हम देखेंगे उसके बाब को 14 बाब की आयत हम पढ़ेंगे जी, 12, पहले हम 12 आयत पढ़ेंगे। ज़िक्रिया उसका 14 बाब उसकी आयत नंबर 12 जी। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा यरूशलम से जंग करने वाली कौमों पर ये अजाब, क्या है ये अजाब, कि खड़े खड़े उनका गोश्त जो है बिल्कुल उनके जिस्म के साथ सूख जाएगा, वो बिल्कुल के ढांचे की मानिंद हो जाएंगे। खुदा का कलाम प्यार करता है उनकी आंखें जो है, उनके चश्म खानों में, ये आंखों के अंदर जो आंखें इनके नज़र आ रहे हैं गोल बॉल से, ये सारी आंखें जो हैं जल जाएंगी, खुश्क हो जाएंगी, गल जाएंगी, और उनके ज़बान जो है वो सड़ जाएगी, ना तो वो देख सकेंगे, ना वो बोल सकेंगे, और ना ही वो आगे चल सकेंगे। ये हालत उनकी होगी जो यरूशलम से, यानी खुदा की कौम से लोग जंग करेंगे। नंबर 2, इसके साथ इसकी 16 आयत पढ़ें, कि इसी बाब की 16 आयत, और यरूशलम से जंग करने लड़ने वाले जी, और आमीन। खुदा का कलाम बयान करता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस तरह आज हम इबादत करते हैं उस वक्त भी खुदा का कलाम बयान करता है कि वो इबादत करने आएंगे एक सबक से, एक नए चांद से दूसरे चांद, और यहाँ भी ईद ख़याम के बारे में भी कहा है कि जो लोग खुदा की ईद मनाने के लिए ना आएंगे उन पर बारिश भी ना होगी रहमत की खुदा की, और उन पर अजाब भी नाजिल होगा, उन पर कौमों गैर कौमों पर भी नाजिल होगा जो खुदा को नहीं मानती। और आज भी जो लोग खुदा से भागी हुए हैं, गैर कौमों की तरह बिहेव करते हैं खुदा उनके साथ, खुदावंद को अपना निजात दहिंदा नहीं मान रहे, खुदावंद के साथ वफादारी से नहीं चल रहे, खुदावंद का डर, खुदावंद का खौफ उनके अंदर नहीं है, तो खुदा का कलाम बयान करता है वो गैर कौमों का अजाब उन पर नाजिल करेगा जो ईद ख़याम ना मनाने आएंगी, अहले मिस्र उन कौमों की जो ईद ख़याम मनाने ना जाएँ यही सज़ा होगी। आए जी, एक और हवाला देखते हैं, एक और नबी जो खुदा का बंदा हमें बताता है, यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदा का कलाम, उसका बाब नंबर 16, बाब नंबर 16 और उसकी आयत नंबर 5, खुदा के खूबसूरत कलाम में से सीखेंगे।
यर्मिया नबी, इसी के साथ थोड़ा सा बैक पर चले जाए, यर्मिया नबी की मार्फत खुदा का कलाम, क्योंकि नबी जगह बजगह हमें पैगाम दे रहे हैं और हमें सीखने का मौका दिया जा रहा है। पाक वो हमें सिखा रहा है कि हमें तौबा करनी है, तौबा के मुआफिक फल पैदा करना है। अगर हम, यीशु मसीह ने फरमाया है, खुदा के बंदा यूहन्ना ने कहा, बस दरख्त की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। इससे बेहतर कि हम आग में डाले जाएँ, हम अंगूर के हकीकी दरख्त यीशु के साथ पैबंद हो जाएँ ताकि हम उस पर फल पैदा करें। जी 5 याद पढ़ें, 16 यर्मिया 16:5। आमीन। कलाम में लिखा है जो लोग खुदा की नाफरमानी करेंगे बागी होंगे। अभी ये वक्त आने वाला है, ये पेशरगोई है, यर्मिया नबी की मार्फत खुदा का कलाम। इसलिए खुदा फरमाता है तुम मातम वाले घर में ना दाखिल हो, ना उन पर रोने के लिए जा, ना उन पर मातम कर। खुदा फरमाता है मैं अपनी सलामती शफकत और रहमत उन लोगों से उठा लूँगा, और लिखा है उनसे उठा लूँगा, इस मुल्क के छोटे बड़े सब मर जाएंगे। ये वक्त आने वाला है। अभी हम सुनते हैं अफवाह, अभी हम देखते हैं कि जंग होने वाली, हम देखते हैं कि दुनिया तबाह और गर्क होने वाली। एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब लोग गर्क होंगे, उनकी लाशें इस तरह से, उनको कोई दफन करने वाला। यहाँ बयान करता है कलाम कि ना उन पर ना दफन किए जाएंगे, ना लोग उन पर मातम करेंगे। जब कोई होगा ना तो मातम कैसा होगा, इस तरह ये होगा तो क्या हमें सोचना नहीं, क्या हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है? इधर भी जो हाल होगा लाशों का, और वहाँ जाकर उनका कीड़ा ना मरेगा और लोग उनको देखेंगे जो खुदा से बागी हैं। आज लोग समझते हैं कि दुआ करना आम सी रूटीन है, इबादत करना तो कोई आम सी बात है, ना भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कलाम बयान करता है, नबी बयान करते हैं। पहले सबसे यसाया नबी ने इस प्यार बात को जो खुदा ने उसे बयान किया फरमाया, खुदा ने कहा मैं रब्बल फाज फरमाता हूँ, फिर खुदावन फरमाता है, और फिर खुदावन ने, फिर इसके 16 की पहले में लिखे तो खुदावन का कलाम मुझ पर नाजल हुआ, उसने फरमाया। किसका कलाम है जी? खुदावन का। ये यर्मिया नबी पर, फिर ज़िक्रिया नबी पर भी खुदा का कलाम नाजल हुआ और कहा कि उनकी आंखें चश्मखानों के अंदर सड़ जाएंगी, उनकी जबान सड़ जाएगी और उनके जिस्म खुशबू का ढलचे की मान दो जाएंगे। और यहाँ लिखा है कि उनकी लाशें दफन करने वाला और उनको खाना खिलाने वाला, उनको तसली देने वाला, उनकी आंखों के आंसू पोंछने वाला, जो कुछ कटे जले बच जाएंगे उनको कोई ना होगा संभालने वाला। तो कैसा मंजर जब आफत आएगी, जब खुदा उन लोगों से शफकत और रहमत को उठा लेगा, तो हमें हर रोज़ खुदा की शफकत का, रहमत का उम्मीदवार होना है, ईमान के साथ दुआ करते कि खुदा जब भी मुसीबत आए। तो कलाम में लिखा है बल्कि खमौत के साया की वादी से तेरा गुजरो, मेरा गुजरो, मैं किसी बिला से नहीं डरूँ, क्योंकि तेरे लाठी तेरे असा से मुझको तसल्ली। उसके कलाम की लाठी, उसका कलाम का असा, उसके कलाम की मोहब्बत, उसके कलाम का ईमान मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर है कि हमें डर किसी मौत का नहीं, क्योंकि ये खूबसूरत बातें हैं। आए ये 3 बयान खुदा के नबियों ने दिए हैं, अब चौथा बयान जो खुद यीशु मसीह ने दिया है, आए देखें मकाशा की किताब में कि ये बातें हकीकत और सच्चाई पे मबनी हैं। लोग इन बातों को समझने की कोशिश नहीं करते, लोग कहते हैं कि शायद ये मजाक है, मजाक नहीं बल्कि ये हकीकत है। कलाम सीखने और इस पर अमल करने का बहुत बड़ा अजर है, क्योंकि खुदा के कलाम मकाशा की किताब मुकदस में से देखें, खुदा के खूबसूरत कलाम में से किस बाब उसकी 7 आयत, मकाशफा की किताब मुकदस में से 21 बाब की 7 आयत में से देखेंगे ऐसे लोगों का क्या हाल होगा जो खुदा के साथ वफादार नहीं है, खुदा की हुजूरी और खुदा को अपना खालिक नहीं मानते, बल्कि दुनिया को अपना खुदा बना रखा है, दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर फंसे हुए हैं और ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। खुदा के लिए उनके पास वक्त नहीं है, खुदा भी इस वक्त उनको वक्त नहीं देगा। जी 7 आयत पढ़े, काश है किस बुजदिलों और बिनोने लोगों और
आमीन। कलाम में लिखा है जो गालिब आए, किस पे गालिब आए? दुनिया की ख्वाहिशों के ऊपर गालिब आए, इब्लीस की तमाम चालाकियों पर गालिब आए, इब्लीस को पीछे करके खुदा की मर्जी को पूरा करे। जो गालिब आए वो इन चीजों का वारिस होगा, मैं उसका खुदा हूँ और वो मेरा बेटा होगा। ये खुदा का बयान, खुदा का कलाम, खुदा का वादा और खुदा के मुंह की बातें सच और अटल और हकीकत हैं। कलाम में लिखा है लेकिन वो उसका खुदा होगा, वो मेरा खुदा होगा, वो आपका खुदा होगा, वो हर एक ईमान लाने वाला का खुदा होगा, वो किसी कौम से हो, किसी कबीले से हो, लेकिन खुदा उसका खुदा होगा जो गालिब आएगा, जो गुनाह पर गालिब आएगा, जो इब्लीस की तमाम बुरी ख्वाहिशों पर गालिब आएगा। कलाम बयान करता है मगर बुज़दिलों का, जो बुज़दिल लोग हैं जो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अगर हमने इबादत की तो हमें तो दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, हमें तो ख्वाहिशों को मारना पड़ेगा, हमें बुज़दिली, वो बुज़दिल हो जाए। बेईमान जो कभी तो खुदा को पूजने लग जाते हैं और कभी फिर जब ख्वाहिशें जन्म लेती हैं तो वो कहते हैं खुदा तो सुनता ही नहीं। नो, ऐसा नहीं। अगर आपको दुनिया में कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, परेशान नहीं होना, आपकी बका संवर जाएगी, आपको निजात मिलेगी, आप खुशी का गीत गाएंगे, आप हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, आप बड़े की शादी की ज़ियाफ़त में शामिल होंगे, आप वहाँ सोने की सड़कों पे सैर करेंगे किसके साथ, और खुदा उनके साथ रहेंगे, और खुदा आपका खुदा और मेरा खुदा होगा और हम उसके लोग होंगे। कलाम में लिखा हम उसके बेटे होंगे, बेटियाँ। मगर बुज़दिलों का, जो अभी से बुज़दिली दिखाते हैं, दुआ करना भूल जाते हैं, दुआ करने में दिल नहीं लगता, दुआ करने के लिए वक्त नहीं मिलता, बुरे कामों के लिए बड़ा टाइम है। बेईमानों का और गिनोने का, जो गिनोने मंसूबे दुनियादारी में रहते हुए तैयार करते हैं, आखिर मौत उनको हाथ बोझती है लेकिन वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इबादत नहीं करते। और कलाम बयान करता खूनियों का, हरामकारों का, जादूगरों का, बुत परस्तों का और सब झूठों का हिस्सा आग है। याद रखें दुनिया एक झूठ है, दुनिया एक फ्रेब है। मैं आपको बताऊँ ये दुनिया जो हमारी बनी है ये फ्रेब से बनी है। किस तरह शैतान ने फ्रेब दिया था हवा को, उसने फ्रेब दिया था आदम को, इसके बाद गुनाह आया और गुनाह की मजदूरी मौत है और मौत से आया खुदा का बेटा छुड़ाने के लिए। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है फिर एक नया आसमान होगा और फिर एक नई ज़मीन होगी, उसमें खुदा की कुदरत, खुदा की मर्जी होगी, उसमें कादर मुतलिक हमारे साथ होगा। उसके लिए अभी हमें तैयारी करनी, उस नई ज़मीन के अंदर गुनाह नहीं होगा, उस नए आसमान के अंदर बदकारी नहीं होगी, उस नए आसमान के अंदर इब्लीस की कोई ताकत नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दुख ना होगा, कोई दर्द ना होगा, कोई आह कोई नाला ना होगा। इसलिए नए आसमान की, नए ज़मीन की हमने तैयारी करनी, ये फ्रेब की दुनिया है। आप देख लें हर बंदा, हर शख्स इस दुनिया में किसी को कुछ भी समझता है तो फ्रेब के साथ, किसी कुछ भी लालच देता है, कोई भी रिश्ता है तो कोई किसी से कुछ चाहता है, वो चाहता है कि मुझे इससे कोई मकसद हासिल हो, कोई फ्रेब, दौलत का लालच, अपनी खिदमत करवाने का लालच, अपनी इज्जत करवाने का लालच, अपना बड़ा नाम करवाने का लालच, दूसरों के आगे बनता कर समझने संवरने का लालच कि मैं और लोग मुझे जाने, शोहरत का लालच, इसके अलावा कोई लालच नहीं और दुनिया फरेब है। लेकिन अगर यीशु को जाने तो हम लालच से पाक हो जाते हैं, हम कहते हैं हमें इबादत करनी, हम किसी को ना ऊँचा समझते हैं ना नीचा समझते हैं, हम इक्वल यीशु की मोहब्बत में सबसे प्यार करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, अपने से छोटों से भी मोहब्बत करते हैं, अपने से बड़ों को इज्जत देते हैं, और हम से अगर कोई गलत कर भी जाता है थोड़ी देर के लिए हम इंसानी तौर पर ठोकर का, फिर हम कहते हैं नहीं, यीशु ने कहा एक घाल पर तमाचा हमारे दूसरे पे, हम फ्रेब से निकल आते हैं, फ्रेब से हमें यीशु बचाते हैं, फ्रेब से हमें यीशु मसीह नासरी का पाक रूह जो है साफ करके बचाता है, क्योंकि फ्रेब देना प्लीज की शुरू से आदत है और उसकी सृष्टि में शामिल है, और वो भी आज लोगों को फ्रेब दे के कहता है कोई नहीं ऐश करो, कल को क्या होना, कुछ नहीं, दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ जो बाइबल मुकदस पे अगर आप बिलीवर है, आप यकीन करते हैं, तो आप इस पे से हवाले पढ़ें, सीखें कि उन लोगों की लाशों के साथ, उन लोगों के साथ क्या होने वाला है, उन लोगों की ज़िंदगी कैसी होगी। कलाम में लिखा है कि उनका हिस्सा आग और गंधक में जलने वाली झील होगा। ये दूसरी मौत है, पहली मौत तो हमारे जिस्म को आनी है, जिस्मानी मौत जो आगे अदन में हर बशर को आती है, दूसरी मौत भी आएगी, दूसरी मौत वो है जो सदा की मौत है, उस मौत में जाने से बचने के लिए मुझे और आपको तौबा करनी है। और खुदा का कलाम बयान करता है बस अगर वो तौबा की माफ़ी का फल लाएंगे तो फिर उनको बरकत मिलेगी, पर अगर नहीं तो फिर खुदा का कलाम बयान करता जो गालिब आए, तो हम गालिब आए, गालिब कैसे आएंगे जब हम किसी चीज़ को जो हमारी ज़िंदगी के आगे बुत बनकर, मुसीबत बनकर, हमारी ज़िम्मेदारी बनकर खड़ी है, हम दुआ के ज़ोर से जुए बंदरों को तोड़ेंगे। दुआ और कलाम के वसीला से ये कलाम हमें सिखाता है, हम मजबूत ईमान होंगे तो हम गालिब आ जाएंगे, हम कहेंगे नहीं ये ख्वाहिश मुझे खुदा से जुदा कर देगी, मुझे ऐसा नहीं करना। मैं ये कहती हूँ चाहे कोई शक कितना भी खुदा के साथ, ख्वाहिशें तो हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर जहन में सोच में आती हैं, लेकिन हम गालिब आ जाते हैं खुदा के कलाम से, खुदा यीशु के नाम से और रूह कुदस के वसीला से। अगर आप ये ऐसा कलाम सीखें, इस तरह की अपनी ज़िंदगी के अंदर रूहानी सोच रखें, तो मेरा और आपका ईमान है कि आप खुदा की बादशाही में उसके साथ क्या करेंगे, सैर करेंगे। और आप पर जितने लोग बागी हो गए उनका कीड़ा नहीं मरेगा, उनकी आग नहीं बुझेगी, और उनका हिस्सा कहाँ होगा,
आग और गंधक और जलने वाली जीव। सो खुदा मुझे और आपके इस कलाम को सीधा से बरकत दें, आमीन। खुदा का शुक्र, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आए अपनी आंखों को बंद करें, खुदा के सोचे के खूबसूरत कलाम के लिए खुदा हमने आज हम सबकी फिर भेजा और हमारी मदद की है, खुदा का शुक्रिया अदा करें। हालेलुया, हालेलुया। आपका दोस्त में है कलाम जिंदा, एक तेरे कलाम की बातें बेश कीमत सोने चांदी खुंदनों और जान से भरकर। खुदा तेरा प्यार निराला है, खुदा तू हमें बचाना चाहता है, खुदा तू नहीं चाहता प्लीज हमें बार बार मारे। एक मौत उसने बागे आदम के अंदर आदम और हवा को बनी नौ इंसान को दी, पर तेरे बेटे ने इस मौत को आकर और खुदा फतह पाकर खुदा निजात बख्शकर मौत को हराया है। अब खुदा तू चाहता है हम इस मौत में से निकल कर तेरे पास जिंदगी के पास आ जाए, ऐसी जिंदगी आप हयात के चश्मे आप तुझमें से पिए और खाएं और हमेशा जिंदा रहें और फिर कभी ना मरें। ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी हो। पाकरू तूने हमें खूबसूरत कलाम हमने दिया है, हम तेरे पेश की कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं, हम इस कलाम को लबैक करते हैं, हम इस कलाम को खुदा अपनी जिंदगी में लेकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं निजात का प्याला लेकर खुदा से दुआ करूंगा, खुदा तेरा शुक्र हमारी। खुदा तूने अपने पीढ़ी पर खूबसूरत कलाम के भेदों को खोला है, मैंने ये कलाम खुदा इस तरह आपने मुझे तौफीक बख्शी है, खुदा तेरे लोगों तक पूरी गलती से चोरी को माफ कर देना, खुदा मेरी चर्च क्लीसिया को बरकत देना, ये क्लीसिया खुदा तेरे साथ वफादार रहे ताकि लोगों की निजात के वक्त अपना पूरा इनाम हासिल करके गालिब आए और तमाम चीजों की वारिस हो और ये सुनासी के साथ शहर सुधा। खुदा तेरा शुक्र हो, हमारी खुदा है तो जो भी अपने लोगों से प्यार करता है तो हमें बचाना चाहता है, तो नहीं चाहता हम गुनाह में चले जाए। ऐ बाप तू नहीं चाहता हम ऐसी मौत मरे, हम दफन ना किए जाए, हमारी लाशों में कीड़ा हो, हमारा रोना दांत का पीसना हो, हम आग और गंधक की झील में ना डाले जाए। ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो, हम सबों को ये कलाम तुझे दिया है, हम इस कलाम के मैसेज को दूसरे तक पहुंचाए और बहुत सारी चीजों को जीत लें। ऐसे जाफ्ता के लोग आज उसे नहीं डरते, तेरा खौफ नहीं मानते, खुदा तेरी इबादत करना पसंद नहीं करते, खुदा के बेटे खुदा के बर रहे, हम तेरी मेहनत करते हैं वो तुझे जानना शुरू करे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जब तूने अपनी कौम को छुड़ाया तो आपने फरमाया अपने बंदा मूसा नबी से कहा तो अपने लोगों को कहना कि खुदा की इबादत करनी इच्छा हो, और जो कोई खुदा की इबादत करने से इनकार करे बागी हो उसका हाल बुरा होगा। खुदा तेरे नबियों ने तेरे लोगों ने बताया, तेरे कलाम ने हमें सिखाया, खुद खुदा आपने बनाया जो गालिब आए वो इन चीजों का वारिस होगा। जिंदा खुदा हमें अपने रूह की कुवत के जोर से अपने कलाम की रोशनी में अपनी मोहब्बत में गालिब आना सिखा, दुश्मन को छिड़क हमारे लिए परिणाम हमारे राम को खुदा बना। हम सब को बरकत दे, अपनी खातों पर रहकर, अपनी खातों के किराना पर रहकर, अपने बेटियों पर रहकर, इनके घराने खानदानों पर रहकर, आज के कलाम की खुशी रस्म सबको तुमने शिफा दी है, रिहाई दी है, निजात बख्शी है और हमारी देह का कमजोर में बीमारियों को शिफा में बदल दिया, हमारे दिल की मुरादों को भी पूरा कर दिया। हम ईमान के साथ खुदा तेरे हुजूर में मांगते हैं, जो पहले नहीं आई गुरुद्वारे की तौफीक दे, जो पहले अभी तक खुदा तेरे हुजूर से कमजोरी में पड़ी है, आजमाइश में पड़ी है, ऐ खुदा मुझको अपने रास्ते पे ला, तमाम अहले इलाका को सलामती बख्श, अहले मोहल्ला को सलामती बख्श, इनकी नाकामियों को कामयाबियों में बदल, इनके बाउंसले को खोल, खुदा ये तेरे पास आए और हमेशा की जिंदगी पाए, क्योंकि आप नहीं चाहते किसी इंसान की हिराकत हो बल्कि आप चाहते हैं आप इंसान की तौबा तक नबत पहुंचे। हमेशा की जिंदगी देने वाले खुदा सारी खिदमत का अजर सारी खिदमत का सिला तेरे पाक नबी पाक में से हमें मिला, कि खुदा तुम्हारा खुदा है और हम तेरे लोग हैं। यरूशलेम चर्च इसकी हदों को बढ़ा, ये देव खुदा के जलाल के लिए हम सब पर बरे की बरकत की रहमत की शफकत की मोहब्बत की नूर की बारिश हो, हमें अपना गहरा वसा दे और गहरे मेरे चल हम सब पर रहम कर और खुदा हम सबको इस लायक ना कि हम तुझे पसंद आ जाए। हमारी मुरा चाहते हमारी दुआएं हमारी रिक्वेस्टें हमारी दरखास्तें खुदा उनके जरूर की मांग पहुंच चुकी हैं और सोने के पत्रों में इस वक्त जमा हो चुकी हैं। खुदा उनकी इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, उसने हमें तौफीक बख्शी और मैं बड़ी को तौफीक बख्शी, हम सब मिलकर बात करें और ये सब की जलाल दें ये सब मांग कर पाते हैं इस उसी नाम के लिए उसी आमीन। खुदा ने सिखाया हमारे बाप जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह भी आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो, और रोज खुशियाँ बादशाह हम अपने कर्जों को माफ़ करते हैं, बीमारी कर्जों को माफ़ कर और इस वायरस का पढ़ने दे और के वायरस का विवाद शांत को रखना चला ये शक्ति ये सुसी ना सुसी सलामती बख्श उनके खानदानों को खुदा तुम्हारी जिस्मानी तमाम बेटों से मुमताज से।